बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रीलिम्स में साइंस से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हेलो एवरीवन, आई एम अंजू कुमारी, अ करियर साइकोलॉजिस्ट ऑफ योजना आईएएस। आज हम जानेंगे कि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रीलिम्स में साइंस से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम इज अ यूनिट ऑफ। एंगस्ट्रम इज अ यूनिट ऑफ, ऑप्शन है वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी। ठीक है, तो आप कोई इसके बारे में याद रखना चाहिए कि एंगस्ट्रम किसका यूनिट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेवलेंथ। ठीक है, एनर्जी का यूनिट है जूल। एनर्जी का यूनिट है जूल। फ्रीक्वेंसी का है हर्ट्ज। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, ऑप्शन है हर्ट्ज, मीटर पर सेकेंड, रेडियन एंड वॉट। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हर्ट्ज। मीटर पर सेकेंड आपको पता ही होगा स्पीड, वेलोसिटी रेडियन एंगल का है। ठीक है, वॉट किसका है, पावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वायलेट लाइट। सेकेंड ऑप्शन है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट। यहाँ इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। थर्ड ऑप्शन है वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज लेस देन ग्रीन लाइट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फॉरेनहाइट स्केल इज। ऑप्शन है 104 डिग्री फॉरेनहाइट, 100 डिग्री फॉरेनहाइट, 102 डिग्री फॉरेनहाइट, 25 डिग्री फॉरेनहाइट। तो आपको डिग्री को फॉरेन डिग्री सेल्सियस को डिग्री फॉरेनहाइट में चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है, वो हम आपको बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फॉरेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज करने के लिए अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, यहाँ डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, हमें निकालना है फॉरेनहाइट। ठीक है, तो फॉरेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस कितना है 40, हम यहाँ 40 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 8 × 5 = 40, 8 × 9 इज इक्वल टू 72 प्लस 32 इज इक्वल टू 224 एंड 7 + 3 104 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 104 डिग्री फॉरेनहाइट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, कूलम्ब एंड इसका सही आंसर होगा वॉट। एम्पियर है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का है। वोल्ट होता है यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। एंड कूलम्ब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज।
और इलेक्ट्रिक पावर का वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रिकल मोटर ऑप्शन है ए है हीट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करेंट इज, ऑप्शन है वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्टामीटर एंड पोटेंशियोमीटर। इसका सही आंसर होगा एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी, ऑप्शन है ए हाइड्रोमीटर, बी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर एंड हाइग्रोमीटर में बहुत सिमिलरिटीज है, ये हाइड्रोमीटर है ये हाइग्रोमीटर, पाइरोमीटर एंड लैक्टोमीटर। इसका सही आंसर होगा हाइग्रोमीटर। पाइरोमीटर यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर को मीजर करने के लिए एंड लैक्टोमीटर यूज किया जाता है प्योरिटी ऑफ मिल्क को मीजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ऑप्शन है ए है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन एंड ऑप्शन डी है न्यूटन पर मीटर। इसका सही आंसर होगा ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, वन न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू वन पास्कल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following has pH value 7? Option A है pure water, option B है neutral solution, option C है basic solution, option D है acidic solution and option E है more than one of the above. The pH value is 7. 7 pH value pure water and neutral solution दोनों का होता है, A and B दोनों सही होगा तो इसका आंसर सही हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। अब जिसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है, लेस देन 7 पीएच वैल्यू तो वो होता है एसिडिक एंड मोर देन 7 वो होता है बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी है कॉपर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर हाउस ऑफ सेल इज, ऑप्शन ए है सेल वॉल, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम एंड ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है फैट एंड ऑप्शन डी है मिनरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राम ईईजी इज यूज इन मॉनिटरिंग, ऑप्शन ए है हार्ट, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी पैंक्रियाज एंड ऑप्शन डी ब्रेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रेन। देखिए यहाँ एक कंफ्यूजन होता है, ब्रेन के लिए हम यूज करते हैं ईईजी, ठीक है इलेक्ट्रो इंसेफालोग्राम एंड हार्ट को मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड बाय,
ऑप्शन ए है थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी है सेरिबेलम एंड ऑप्शन डी है मेड्यूला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस एंड ऑप्शन डी फंगस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वायरस। कौन सी वायरस? एचआईवी, एचआईवी वायरस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर, ऑप्शन ए है रिलेटिविटी, ऑप्शन बी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ऑप्शन सी है मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड ऑप्शन डी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन ए है फोर्स, ऑप्शन बी है प्रेशर एंड ऑप्शन सी है वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी है एक्सीलरेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेशर। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट, ऑप्शन ए है स्ट्रेस, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी स्ट्रेन एंड ऑप्शन डी प्रेशर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड वेव इन एयर इज, ऑप्शन ए ट्रांसवर्स, ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ऑप्शन डी पोलराइज्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फॉरेनहाइट स्केल इज, ऑप्शन ए है 104 डिग्री फॉरेनहाइट, ऑप्शन बी है 122 डिग्री फॉरेनहाइट एंड ऑप्शन सी है 100 डिग्री फॉरेनहाइट एंड ऑप्शन डी है 75 डिग्री फॉरेनहाइट। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज करने का क्या फॉर्मूला होता है। अगर आप भूल गए होंगे तो मैं फिर से बता देना चाहती हूँ आपको, फॉरेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इन टू 9/5 प्लस 32, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, हो सकता है इस बार आपका इस एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो यहाँ आपका डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। तो फॉरेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 50 डिग्री इंटू 9/5 प्लस 30। अब यहाँ से यहाँ ये कटेगा 10 इंटू 9 90 प्लस 30 कितना हो गया 122 फॉरेन। ऑप्शन बी सही है 122 फॉरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी एनर्जी हीट एंड क्वालिटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करेंट इज, ऑप्शन ए है वोल्टमीटर, ऑप्शन बी है आमीटर
ऑप्शन सी है वोल्टामीटर एंड ऑप्शन डी है पोटेंशियोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है कूलम एंड ऑप्शन डी है वॉट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वॉट। कूलम इसका है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का है कूलम। एम्पियर है इलेक्ट्रिक करंट। कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक आते ही हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिक करंट हो, इलेक्ट्रिक चार्ज हो या इलेक्ट्रिक पावर हो, सारा सेम लगने लगता है। तो आपको ना ध्यान देना होगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक पावर है ठीक है, लिखा कुछ और रहता है, दिमाग में कुछ और चलने लगता है एग्जाम पे प्रेशर से। तो आप एग्जाम में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लीजिएगा, फ्री ऑफ माइंड से एग्जाम दीजिएगा ताकि आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे रहे और अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पावर है, उसका है आंसर वॉट। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट पोटेंशियो पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है लेवोसियर एंड ऑप्शन डी है सी वी रमन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लेवोसियर ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए।